तो आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप वो दो दो घंटे की वीडियोस देखो तो इसी के लिए जो है ये क्विक रिवीजन वाला वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसमें आप बहुत ही शॉर्ट में जो हो आपका पूरा जो चैप्टर है उसे रिवाइज कर लोगे वो भी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे चैप्टर को जल्दी जल्दी से क्विकली जो है रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले आता है जो हमारा चैप्टर का नेम है दैट इज इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर का मतलब होता क्या है अब देखो ऐसा है कि कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं ठीक है प्राइस में चेंज हुआ किसी भी चीज में चेंज हुआ तो वो क्या है ये जो चेंज है इसको कौन मेजर कर रहा है ये जो चेंज मेजर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं तो ये कहलाते हैं हमारे इंडेक्स नंबर्स ठीक है सो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ठीक है जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है वो एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो कि मेजर करता है चेंजेस को ठीक है जो मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है जो वेरियस रिलेटेड वेरिएबल्स है उनमें जो चेंजेस है उसको मेजर कौन कर रहा है उसे मेजर कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स ठीक है मेजर्स द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोग्राफिकल लोकेशन और सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है ये जो आपके इंडेक्स नंबर है ये मेजर करते हैं जो चेंजेस है उन्हें किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में जोग्राफिकल लोकेशन हो गया या कोई भी एक जो है कोई भी बेसिस हो गया कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जिसके बेसिस पे जो है ये जो चेंजेस है इसे मेजर किया जाता है ठीक है दैट मीन्स जो इंडेक्स नंबर है वो वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस को क्या करते हैं मेजर करते हैं it

बताता है या इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है हमें समझ में आता है ओके okay? तो इंडेक्स नंबर के जो वेरियस हम बोलेंगे कि हमारे मतलब है जो एक मेन हम बोलेंगे कि इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है सो दैट इज ये एक ऐसा मेजर है जो कि चेंजेस को क्या करता है मेजर करता है ठीक है ये होता है हमारा इंडेक्स नंबर या इंडेक्स नंबर का हम मतलब बोल सकते हैं इसको ठीक फिर उसके बाद में नोन एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंडेक्स नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं क्यों बैरोमीटर कहते हैं बैरोमीटर का काम क्या है बैरोमीटर का काम है चेंजेस को मेजर करना ठीक है एक वेदर फोरकास्टिंग हम नॉट फोरकास्टिंग वेदर जो हमारा एनालिसिस है उसमें हेल्प करता है ठीक है तो सेम वे में जब बैरोमीटर वेदर को बताता है वेदर में चेंजेस को बताता है सेम वे में जो इंडेक्स नंबर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो चेंजेस है ये बताता है है ठीक किस एक्टिविटी से क्या चेंजेस हुआ है अच्छा प्राइस इतना बढ़ गया गया प्राइस इतना कम हो डिमांड इतनी बढ़ गई है डिमांड कम हो गई है सप्लाई पर ये ये इफेक्ट है जो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनका एक हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर क्या है बैरोमीटर है ठीक है जो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये चेंजेस को करती हैं मेजर ओके सो आई गेस क्लियर दिस थिंग कार्ली एन एन इटालियन स्टैट्रक्टेड दंबर एज अर्ली एज सेवेंटीन सिक्सटी फोर टू कम्पेयर दाइज ऑफ ईयर सेवनटीन फिफ्टी विद ऑफ दिफ्टीन हंड्रेड ठीक है कार्ली जो है वो एक इटालियन uh, स्टैटीशियन है जिन्होंने फर्स्ट इंडेक्स नंबर को क्या किया था कंस्ट्रक्ट किया था कौन से ईयर में इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो गया था इन द ईयर 1764 ठीक है और ये 1764 में जो उन्होंने ये इंडेक्स नंबर को प्रिपेयर किया था कंस्ट्रक्ट किया था उससे उन्होंने क्या किया था तो उन्होंने जो है प्राइजेस को कंपेयर किए थे सेवनटीन के एंड फिफ्टीन के ठीक है ये एक जनरल सी नॉलेज है जो पता होना चाहिए कि भाई किसने जो है आपका इंडेक्स नंबर सबसे पहले किसने कंस्ट्रक्ट किया तो वो हमें यहां से पता है ओके okay. फिर उसके बाद में आते हैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडेक्स इंडेक्स नंबर नंबर के सो आर स्पेशलाइज्ड ये क्या है ये स्पेशलाइज्ड एवरेज है ठीक है स्पेशलाइज्ड एवरेज कैसे हैं दैट मींस ये आपको एक एवरेज हम बोलेंगे कि एवरेज हमें समझ में आता है लेकिन स्पेशलाइज क्यों है बिकॉज ये हमें वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस को भी जो है मेजर करने में हेल्प करता है आप चेंजेस को मेजर कर सकते हो आप दो चीजों के बीच में कंपेरिजन कर सकते हो आप दो डिफरेंट जो है वेरिएबल्स दो डिफरेंट ईयर दो डिफरेंट प्लेसेस दो डिफरेंट जो है कोई भी थिंग ले लो उनके बीच में आप जो हो क्या कर सकते हो कंपैरिजन कर सकते हो उनका चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है वो देख सकते हो तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है वो स्पेशलाइज्ड एवरेज होते हैं इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस इन परसेंटेज ठीक है इंडेक्स नंबर किसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं परसेंटेजेस में तो दैट मींस यहां पर वो जो है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाला कोई रोल नहीं है यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल भी हम कंसिडर नहीं करते हैं ठीक है थीके? फिर इंडेक्स नंबर मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस ठीक है इंडेक्स नंबर जो है वो क्या करता है वो चेंजेस जो है इफेक्ट ऑफ चेंजेस किस पर इन रिलेशन टू टाइम और प्लेस इसे जो है मेजर करने में हेल्प करते हैं इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंज नॉट केपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट कुछ चीजें होती है जो कि आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो लेकिन उसमें उस, उस चीज को आप जो हो इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर मेजर कर सकते हो ठीक है जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि हमें जो है वीट प्रोडक्शन लेना है ठीक है अब वीट प्रोडक्शन जो है मैं उसे डायरेक्टली नहीं मेजर कर पा रही कि ये वीट प्रोडक्शन हाई या लो क्यों हुआ अब उसके पीछे के जो रीजन है वो हम समझ सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर हो सकता है उस ईयर में जो है रेनफॉल या वेदर जो है वो बहुत ही फेवरेबल रहा इसलिए जो वीट प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली हुई ठीक है तो ये क्या ये हम बता रहे हैं कि देखो डायरेक्टली हमें नहीं पता कि क्या हुआ लेकिन इसे जो है हम इस वे से Uh, क्या कर सकते हैं इस वे से जो है हम इस चीज़ को समझ सकते हैं या ले सकते हैं ठीक है थीके? तो सिंपल सी चीज़ है ऐसी चीज़ें जिनका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है उन्हें हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से बताते हैं इंटेलिजेंस उसका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है नहीं इंटेलिजेंस एक क्वालिटी होती है ठीक है अब उसका डायरेक्ट मेजर जो है या डायरेक्ट जो तो है उसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है लेकिन उसे हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं कैसे विद दी हेल्प ऑफ जो मार्क्स मिलते हैं जो स्कोर होता है हर एक क्लास में हर एक एग्जाम में उसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को क्या करते हैं उसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को बताते हैं कि अच्छा ये पर्सन इतना इंटेलिजेंट है या ये इतना नहीं है ठीक है तो इंटेलिजेंस जो है वो डायरेक्ट मेजरमेंट के पॉसिबल नहीं था या उसमें डायरेक्ट मेजरमेंट जो पॉसिबल नहीं था बट जो आपका इनडायरेक्ट वे से जो है उसके प्रॉपर आंसर तक पहुंच सकते हैं ओके सो आई होप सो ये चीज क्लियर है आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडेक्स नंबर के ये क्लियर है प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जो क्या प्रॉब्लम आती है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में तो सबसे पहले हमारे पास में पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर हमें जो है एक एग्जैक्ट पर्पज पता होना ज़रूरी है बिकॉज ऑल पर्पज इंडेक्स नंबर जो एक चीज है वो नहीं ट्रुथ है ठीक है वो सही नहीं है ये ऐसा कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं होता जो कि ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर हो तो इसके लिए जो है आपको परपस पता होना जरूरी है इंडेक्स नंबर का और उस परपस के अकॉर्डिंग हम फिर आगे अपनी क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं ठीक है सो बेसिकली so अगर आपने जो है अगर आपने कोई और टर्म्स से जैसे कि मान लो मुझे जो है डिमांड चेक करनी थी तो मैंने डिमांड के लिए जो है इंडेक्स

पता करना बहुत जरूरी है और पर्पस के अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स नंबर बनाना जरूरी हो जाता है फिर उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर बेस ईयर को सिलेक्ट करना होता है हमें ठीक है प्रॉपर बेस ईयर अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ही हम जो है एक ट्रू इंडेक्स नंबर तक पहुंच पाएंगे अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे तो बेसिकली आपका ये जो बेस ईयर है वो एक ऐसा ईयर होना चाहिए जिसमें कोई भी काइंड ऑफ नेचुरल क्लामिटीज या मेनमेड क्लामिटीज या कोई भी काइंड kind ऑफ of, जो है डिस्ट्रप्शन नहीं आया हो एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसे हम बेस ईयर कहते हैं कोई पॉलिटिकल इंस्टेबलिटी नहीं हुई हो कोई भी काइंड ऑफ हाई क्या एकदम से कुछ भी जो है चेंजेस ना हुए हो इकोनॉमी में उस ईयर को हम जो है बेस ईयर मान सकते हैं ऐसा ईयर जो कि नॉर्मल था ऐसा ईयर जो कि हम बोलेंगे कि जो कि स्टेबल ठीक है उसे हम बेस ईयर मानते हैं ओके अदरवाइज ऐसे हर कोई सा जो ईयर है वो बेस ईयर नहीं हो सकता जैसे कि फॉर दी रीसेंट एग्जांपल हम बोले तो 2020 जो है वो आपका कभी भी हम बेस ईयर नहीं मान सकते उसे क्यों नहीं मान सकते बिकॉज़ ऑलमोस्ट फुल ईयर जो है उस ऑलमोस्ट जो पूरा ही पूरे ही मंथ्स उस ईयर के उसमें जो है वेरियस काइंड ऑफ लॉकडाउन और एन नंबर ऑफ थिंग्स हो रही थी जिनकी वजह से जो है इकोनॉमी पर बहुत ही डिफरेंट जो है हम बोलेंगे कि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था ठीक है तो अब ऐसे ईयर को वो नॉर्मल ईयर नहीं था तो ऐसे ईयर को हम बेस ईयर नहीं मानेंगे ठीक है एकदम नॉर्मल होना चाहिए जहाँ पर कोई भी किसी भी काइंड ऑफ की न्यू चीज नहीं हुई हो ओके सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ़ आइटम्स और कमोडिटीज़ कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स चाहिए कितने नंबर ऑफ़ कमोडिटीज चाहिए ये पता होना ज़रूरी है और उसका सिलेक्शन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक चीज़ को एनालाइज़ करना कि हमारी स्टडी ये है हमें इतने में जो है एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा तो उस चीज़ को जो है एनालाइज करना उसे जो है प्रॉपरली समझना ये ज़रूरी है और ये भी एक क्या बनती है एक प्रॉब्लम जो है वो होती है ठीक है इसमें फिर सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डेटा क्या है आपका सोर्स ऑफ डेटा आप जिस से इंडेक्स नंबर जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उस से जो है आपका सोर्स ऑफ डेटा जो भी है वो सही है नहीं है इन चीजों को देखना उसके बाद में प्राइस कोटेशन सिलेक्शन ऑफ द एवरेज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट्स एंड सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला ठीक है प्राइस कोटेशन आप क्या प्राइजेस वगैरह रखोगे क्या एवरेज कौन से एवरेज के बेसिस पर जो हो आप इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करोगे उसके बाद में अप्रोप्रिएट वेट्स देना वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस वेरियस आइटम को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेरियस वेट्स प्रोवाइड करना तो वो चीज भी जो है एक एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम या चैलेंज ही होती है कि आप सही आइटम को सही वेट्स जो है वो प्रोवाइड कर दो ठीक है उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला एप्रोप्रिएट फॉर्मूला का होना भी जरूरी है ओके okay, तो आई गेस की अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को ये चीजें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर है ठीक है फिर इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर अब क्या टाइप्स हैं तो तीन टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर होते हैं हमारे पास में फर्स्ट आता है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर सेकेंड आता है आपका क्वांटिटी इंडेक्स एंड थर्ड आता है आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर अब वन बाय वन हम तीनों को समझ लेंगे कि तीनों में ही क्या होता है ठीक है जो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर है उसे हम कुछ और डिवाइड कर सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स में ठीक है अब देखो ये जो है ना इनके नेम से ही समझा देंगे प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब कि हम जो है प्राइस का कुछ कैलकुलेशन करेंगे क्वांटिटी में क्या आएगा आप क्वांटिटी पर ध्यान दोगे प्राइस से आपको नहीं और वैल्यू में आप क्या बोलोगे कि आपको वैल्यू जो है उस पर उसके बेसिस पर आप इंडेक्स नंबर देख रहे हो अब एक शॉर्ट में जो है तीनों ही चीजों को हम लोग समझ लेते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर द जनरल चेंजेस इन प्राइजेस बिटवीन द करेंट ईयर एंड दी बेस ईयर ठीक है तो जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली क्या करता है जो जनरल चेंजेस है किसके बीच में प्राइजेस जो है बेस ईयर और करेंट ईयर के इनके बीच में जो जनरल चेंजेस है प्राइजेस के उसे मेजर करने के लिए हम बोलते हैं कि यह है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर ठीक है

सिंगल न्यूमेरिकल मेजर ठीक है अलग अलग कमोडिटी की हम जब देखते हैं तो अलग अलग कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस हमें चेंज होते हुए दिखते हैं अलग अलग उसमें हमें परसेंटेजेस समझ में आते हैं तो जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो वो यही सारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है सॉल्व करता है और ये जो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट या हम बोले कि सिंगली जो रिप्रेजेंटेड वेरियस प्राइजेस में चेंजेस है उन सबको एक ही साथ में लेकर जो है आपका जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो आपको एक नंबर देता है या एक जो है आपको फिगर देता है कि देखो इतने से जो है ना प्राइजेस हुए चेंज आपके ठीक है इतना इन्फ्लेशन या इतना डिफ्लेशन आया है आपकी इकोनॉमी में ओके ये होते हैं हमारे प्राइस इंडेक्स नंबर्स ठीक अ प्राइज इंडेक्स में बी होलसेल प्राइज इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्राइजेज यूज ठीक है

लेस करते हैं उसे हम गो होल उसे उस पर्टिकुलर चीज को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर ले सकते हैं वो कमोडिटीज जो कि होलसेल में क्या की जा रही है ट्रेड की जाती है उन्हें ठीक है एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है इट रिफ्लेक्ट्स दी जनरल चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस वेरियस आइटम्स इंक्लूडिंग फूड हाउसिंग क्लोथिंग एंड सो ऑन जो रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर है वो क्या बताता है वो आपको जनरल चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसमें रिटेल प्राइजेस किस चीज के रिटेल प्राइजेस वेरियस आइटम्स हो गए जैसे कि फूड हो गया हाउसिंग हो गया क्लोथिंग हो गया और भी जमाने भर की चीजें मतलब की जो भी आप रिटेल हम लोग जो कंज्यूम करते हैं हम रिटेल में कंज्यूम करते हैं ठीक है हम, हम लोग होलसेल में नहीं कर रहे हैं जो एक जनरल कंज्यूमर की बात कर रही हूँ मैं तो हम लोग जो हमारे लिए जो प्राइजेस होते हैं, उनके बेसिस पर जो मेजरमेंट किया जाता है उसे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर कहा जाता है ओके okay. फिर उसके बाद में आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अब जैसे कि अभी हमने प्राइस इंडेक्स नंबर देखा कि ये जो है हमें वेरियस ईयर्स की क्या बताते हैं प्राइजेस बताते हैं सेम वे में क्वांटिटी में क्या हो जाएगा प्राइस की जगह पर अब हम क्वांटिटी लेंगे ठीक है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी जो है ये हम कंसिडर करेंगे सो द क्वांटिटी और वॉल्यूम इंडेक्स नंबर मेजर्स एवरेज चेंज इन क्वांटिटीज एंड अनेबल अस टू कंपेयर चेंजेज़ इन फिजिकल क्वान्टिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूज कंज्यूम्ड और सोल्ड ठीक है जो क्वान्टिटी या फिर इसे हम वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं ये क्या करता है ये जो एवरेज चेंज है किस चीज़ में क्वान्टिटीज में उन्हें मेजर करता है ठीक है जो एवरेज चेंज है वेरियस क्वान्टिटीज़ में उसे जब मेजर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्वान्टिटी या फिर वॉल्यूम इंडेक्स नंबर और ये जो है ये क्या होगा फिर से वही जो कम्पेयर ठीक है जो भी कंपेरिजन करना बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कंज्यूम्ड सोल्ड या कुछ भी हो ठीक है बट इसमें हम प्राइस नहीं इसमें हम क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग बोथ सिंपल एज वेल एज वेटेड मेथड ये सिंपल और वेटेड मेथड अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं इसमें आप वेट्स के थ्रू भी जो है कैलकुलेशन कर सकते हो सिंपल मेथड से भी जो है कैलकुलेशन हो सकती है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैन बी इजीली डिराइव्ड फ्रॉम प्राइस इंडेक्स नंबर बाय इंटरचेंजिंग पीस टू क्यूज अभी हम लोग आगे जो है हमारे जो फॉर्मूलेज है वो देखेंगे ही तो जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो जहाँ जहाँ पर हम पी लिख रहे हैं उसी चीज को अगर हम कन्वर्ट कर दें क्यू में तो वो अब जो है हमें क्या मिल जाता है हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ठीक है तो पी की जगह पर अगर क्यू आ जाएगा सो दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इंडाइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा आर ऑल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ठीक है ये जो वेरियस ये इंडाइसेज हैं ये सारे क्या हैं आपके क्वांटिटी इंडेक्स नंबर डिनोट करते हैं ओके यहाँ हम बोले कि ये सब जो है ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इन्हें मेजर करता है कितने आइटम्स एक्सपोर्ट हुए कितने आइटम्स इम्पोर्ट हुए एक्सेट्रा ठीक है तो ये हो जाता है हमारा क्या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर उसके बाद में आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर अब ये क्या है वैल्यू इंडेक्स नंबर कंपेयर द टोटल वैल्यू फॉर ऑफ सम पीरियड विद द टोटल वैल्यू ऑफ द बेस पीरियड अब वैल्यू क्या होती है वैल्यू होती है आप किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी को सेल कर रहे हो ठीक है हमने प्राइस को अलग देख लिया हमने क्वांटिटी को अलग देख लिया अब वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है दोनों कंबाइंड कि आप इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटीज जो है वो सेल कर रहे हो आप कंज्यूम कर रहे हो आप प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है जो भी चीज है तो दैट इज प्राइस इन जब हम क्वांटिटी करते हैं तो वो हमारी वैल्यू बनती है सो द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द टोटल वैल्यू दैट इज प्राइज इंटू क्वांटिटी of production such as indices of retail sales or profits or inventories can be made by value index numbers ठीक है तो जहाँ पर ये जो हमें वैल्यू के हिसाब से जो देखना होता है तो फिर वहाँ पर हम जो है अपना वैल्यू इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर उसके बाद में आते हैं हमारे सामने मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर क्या मेथड्स है प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के सो वी हैव टू मेथड्स एक होता है आपका अनवेटेड और एक होता है आपका वेटेड ठीक है दैट इज अनवेटेड या फिर हम इसे सिंपल इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं एंड वेटेड इंडेक्स नंबर होता है ठीक है ये दो चीज हो गई अनवेटेड में हमें पता है कि सारी वैल्यूज को हम एज इट इज लेते हैं किसी भी वैल्यू को किसी भी काइंड ऑफ की इंपॉर्टेंस हम नहीं प्रोवाइड करते वेट्स प्रोवाइड नहीं करते जब वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेरियस आइटम्स हैं उन्हें जो है उनका अप्रोप्रिएट जो वेट है वो असाइन किए जाते हैं ठीक तो है तो वह होते हैं आपके वेटेड इंडेक्स नंबर ठीक अब इसके अंदर और जो है हमारे सामने क्या आते हैं इसके अंदर और डिविजन्स आते हैं जैसे कि अनवेटेड या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर में हम बोलेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स ठीक है इसमें आप प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करोगे जो कि अभी हम लोग सीखेंगे और इसमें आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सिंपली एग्रीगेट कर कर जो है आप आगे बढ़ जाते हो और वहीं अगर मैं वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करूं तो वो भी दो होंगे ये जो दोनों सिंपल है इन्हीं दोनों के जो है वेटेड वाले जो है वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे दैट इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ओके तो ये कुछ हमारे क्या है ये कुछ हमारे मेथड्स हैं ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइज इंडेक्स नंबर ओके okay. अब जो है इनका जो फॉर्मूले हैं वो देख लें तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपके सामने कुछ इस वे में आते हैं सबसे पहले क्या है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इसमें हमने कोई भी काइंड ऑफ वेट्स नहीं असाइन किए हैं ओके okay. तो देखो यहाँ पर ये यह हमने लिया P01, जीरो वन दैट इज जीरो इज योर बेस ईयर एंड वन इज योर करेंट ईयर ठीक है या करंट या जिस भी ईयर पर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो P01 इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ पी डिडेड बाय समीशन मल्टीप्लाइड करेंट इयर एंड सारे ऑफ योर बेस ईयर इनका जो है हम सम करते हैं डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हंड्रेड से ठीक है तो ये होता है आपका सिंपल एग्रीटिव मेथर्ड और वही जब हम बात करें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइज रिलेटिव की तो आपके सामने कुछ ये आता है अब इसमें जो है ये जो चीज होती है स्टूडेंट जैसे हम बोलते हैं प्राइज रिलेटिव दैट इज p1 डिवाइडेड बाय p0 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इसे आप जो हो सेपरेटली पहले फाइंड आउट करोगे उसके बाद मैं सबका सम अप करोगे तो ये आपका समाप आता आएगा और इसको डिवाइड करते हो आप किससे इन से ठीक है सो दैट इज मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ. समेशन ऑफ r डिवाइडेड बाय n अब ये तो होगा हमारे अनवेटेड अब अगर वेटेड आएंगे तो क्या होगा अब अनवेटेड में क्या था कि ये सिर्फ प्राइजेस प्राइजेस हमने लिए यहाँ पर कोई भी वेट नहीं असाइन किया अब वेटेड में ये हो जाएगा कि इन प्राइजेस के साथ में वेट्स भी हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे तो कुछ आपके सामने यह आ जाता है अगर हम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की बात करें तो उसके अंदर आपके पास में तीन मेथड्स होते हैं एक होता है आपका लास्ट पियर्स मेथड एक होता है आपका पास मेथड और एक होता है आपका फिशर्स मेथड ठीक है तो ये आपके तीन मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स में थोड़ा थोड़ी चीजें डिफरेंट है जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है समीशन ऑफ पी वन क्यू जीरोड बा मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों में हमने क्या लिया है क्यू जीरो क्यू जीरो लिया है दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं हम जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसे ही हम अपने करेंट ईयर में भी लेकर चल रहे हैं ठीक है थीके? उसी के हेल्प से जो है हमने पी वन क्यू जीरो हमें फाइंड आउट करना

इसे आप जो हो क्यू से रिप्लेस कर दोगे बाकी का फॉर्मूला सेम है दोनों में जो Q0 है वो आप Q1 से रिप्लेस कर दो सो so P01 जीरो वन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ पी वन क्यू वन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ पी जीरो क्यू वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है इसमें जो है हमने अपना जो वेरियस जो वेट्स है वो करेंट ईयर के बेसिस पर या हम बोलें कि न्यू वेट्स जो है वो हमने किए हैं असाइन ठीक है और वहीं हम फिशर्स मेथड की बात करें तो फिशर ने क्या किया फिशर ने बोला कि देखो भाई लास्ट पेयर्स मेथड में जो आपके करेंट वेट्स हैं वो आप नहीं कंसिडर कर रहे हो पाशियज मेथड में आप बेसियर के वेट्स नहीं कंसिडर कर रहे हो तो फिर ऐसे में क्या किया जाए तो फिशर ने बोला कि अब जो है ना एक और फॉर्मूला बनेगा जिसमें कि हम पाशे और जो आपका लास्ट पेयर्स है इन दोनों का जो फॉर्मूला है इसे हम कंबाइन कर देंगे तो कुछ यह आ जाता है आपके सामने P01 जीरो वन इज इक्वल्स टू अंड रूट हम लेंगे समीशन पी वन डिवाइडेड बाय समीशन पी जीरो ये वाली चीज़ आ गई सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय समीशन पी वन डिवाइडेड बाय समीशन पी जीरो ये जो है ये वाली चीज़ भी आ गई यहाँ पर ठीक है और फिर उसको जो है आप फाइनली क्या कर दोगे मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कर दोगे और इसको आपको क्या लेना है रूट में लेना होगा ओके okay, तो ये हो जाता है हमारा फिशर्स मेथड आई होप सो कि तीनों मेथड के जो फॉर्मूले हैं क्लियर हैं आप लोगों को उसके बाद में आता है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड अब वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में क्या हो जाएगा जो अभी आप लोगों ने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में देखा कि हमने क्या किया था समेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन किया था अब हम क्या कर रहे हैं समेशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ठीक है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू तो बेसिकली आप सबसे पहले आपके प्राइस रिलेटिव निकालोगे पी1 डिवाइडेड बाय पी जीरो मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड आप वेरियस ये चीजें निकालोगे आर आप फाइंड आउट करोगे उसके बाद में आर और डब्ल्यू का क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन करोगे इसका आप करोगे up, तो आपको मिलेगा क्या समीशन आर डब्ल्यू ठीक है और जो वेरियस आपके डब्ल्यू है वेरियस जो आपके वेट्स है उन सबका आप समअप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका समीशन ऑफ डब्ल्यू ओके सो आई गेस क्लियर है ये चीज जो हमारे ये वेरियस मेथड्स हैं सिंपल एग्रीगेटिव एंड जो आपके वेटेड है नॉट सिंपल एग्रीगेटिव सिंपल मेथड्स और जो आपके वेटेड मेथड्स है आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं ठीक है फिर तो आगे चलते हैं अब क्या है हमारे सामने तो अब आता है हमारे सामने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज सी जिसे हम रिटेल प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं अभी अभी हम लोग पढ़कर आए थे ठीक है तो व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो वो रिफ्लेक्ट करता है एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय द क्लास ऑफ पीपल सो दैट दे मेंटेन द सेम सो दैट दे कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द करंट ईयर एज इन द बेस ईयर ठीक है जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है वो रिफ्लेक्ट करता है एक एवरेज इंक्रीज किस चीज में कॉस्ट ऑफ दी कमोडिटीज कंज्यूम्ड ठीक है दैट मींस एक हमारे लेवल पर एक रिटेल लेवल पर जो वेरियस कमोडिटीज है उनकी कॉस्ट में कितना हाइक हुआ है इसे कौन चेक करता है या कौन मेजर करता है सो दैट इज कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स ठीक है और ये जो है इससे हमें ये समझ में आता है कि देखो अगर आप लोगों को पता चल रहा है कि आपके जो रिटेल प्राइजेज है उनमें इतना हाई क्या So that simply means कि आपकी आपकी जो जो भी भी है, है, उसे maintain करने के लिए आपकी जो earning है वो भी फिर high होनी चाहिए, राइट right? तो आपका ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स वगैरह जो होते हैं ये हेल्प करते हैं जो वेजेस हैं, ओके वो फाइंड आउट करने में जो एक मिनिमम वेज होता है वो फाइंड आउट करने में क्योंकि अगर जो है चीज़ों की प्राइस बढ़ जाए और अगर आपकी इनकम कम रहे तो फिर वो जो इनकम है वो सफिशेंट नहीं होती है इसलिए एक जो है प्रॉपर एक पावर्टी लाइन के अबव रहे लोग और दूसरी चीज़ एक जो बेसिक नेसेसिटीज है ये फुलफिल हो सके तो इतना देखने के लिए जो है आपका सी देखा जाता है और फिर वेरियस जो वेजेस है वो सेट किए जाते हैं ये एक मेन पर्पस हम बोल सकते हैं सी का ठीक है कि पहले क्या करना है कि इन्फ्लेशन चेक करो

फिर उसके आगे ये कुछ हमारे सामने में थर्ड आते हैं इसमें भी देखो आपके सामने क्या जन दो एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथर्ड और वेटेड एग्रीगेट मेथर्ड जो कि अभी हम लोग वेटेड एग्रीगेट मेथड पढ़े कुछ वैसा ही यहाँ पर है और एक होता है आपका फैमिली बजट मेथड और मेथर्ड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ठीक है जो आपका ये था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव अभी हम लोग पढ़कर आए थे उसी को हम जो है फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं ठीक है सो दैट मीन्स अभी जो हमने प्राइस इंडेक्स में जो हमारा वेटेड वाला सेक्शन देखा वेटेड प्राइस इंडेक्स वाला उसी के जो दोनों पार्ट है वो दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एक हम बोल रहे हैं ये आ गया आपका वेटेड एग्रीगेट मेथड और ये आ गया आपका जो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ठीक है अब इनके जो है हम लोग फॉर्मुलेज देख लेते हैं और कुछ यूजेस देख लेते हैं अपने सीपीआई का ठीक है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग देखेंगे सम्यूशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड अगर आपको तो थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा होगा तो ये कौन से मेथड का हमारा फॉर्मूला है लास्ट पेयर्स मेथड का ठीक है लास्ट पेयर्स मेथड में हम लोग जो बेस ईयर की क्वांटिटी है उसे ही लेते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग वही देख रहे हो और वही एग्जैक्टली फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है और फिर फैमिली बजट मेथड देखे जो की हमें पता है कौन सा है रिलेटिव मेजर है या हम बोले कि रिलेटिव जो एग्रीगेट मेथर्ड है वो वाला हमारा का फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा समीशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू जो कि अभी इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड वेटेड रिलेटिव मेथड में हम लोग जैसे इसे फाइंड आउट करते हैं ओके okay?

लास्ट पेयर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी फॉर्मूला होता है वो है और इसमें आप लोग क्या ले रहे हो बेस ईयर की जो क्वांटिटीज हैं उसे आप लेते हो आ, किस चीज के लिए वेट्स असाइन करने के लिए The तो हमारीस फिगर्स है उन्हें हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है ठीक है तो यह आपका हो जाएगा समीशन ऑफ पी वन p0 q0 बाइड बाई 100 ठीक फिर आता है आपका क्या फैमिली बजट मेथड तो इस मेथड में क्या हो रहा है दी फैमिली बजट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर होम द इंडेक्स इज मैं आर केयरफुली स्टडीड ठीक है जो फैमिली बजट है जो भी आप फैमिली को या जिसके लिए भी आप इंडेक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो उनका जो बजट है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में आप लोग देखते हो कि उनका जो बजट है वो लिया जाता है और फिर आगे की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है ठीक है देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज फैमिली ऑन वेरियस कमोडिटीज इज एस्टिमेटेड और फिर जब यहाँ से हम लोग बजट ले लेते हैं केयरफुली जो है उसे स्टडी करते हैं तो फिर उसके बाद में हमारे सामने आ जाता है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है एक एवरेज फैमिली का वेरियस जो कमोडिटीज हैं उन पर ठीक है और फिर आप निकाल लेते हो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है दैट वुड बी समीशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू तो ये हमारी दो मेथड्स होती हैं जिनकी हेल्प है, से हम लोग क्या करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये करते हैं फाइंड आउट ठीक है out, सो अब यूजेस क्या हैं आपके ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के चलो यूजेस देख लेते हैं हेल्प्स इन वेज नेगोशिएशन फॉर्मूलेशन ऑफ वेजेस पॉलिसी Price policy, rent control, taxation. एंड जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन ठीक है बेसिकली आपका ये जो सीपीआई है वो आपको किस में हेल्प करता है वेज नेगोसिएशन में हेल्प कर रहा है वेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है कैसे हेल्प कर रहा है सीपीआई से समझ में आता है कि एक जो है कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले क्या है अगर सीपीआई इंडेक्स आपका बढ़ता जा रहा है या फिर हम बोल रहे हैं कि प्राइजेस बढ़ रहे तो उससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अब जो है लोगों को ज्यादा मनी हमें देना पड़ेगा तभी वो अपना सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, ये करके रख सकेंगे, है ना? तो फिर सकते हैं है, जो वेरियस लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नेगोशिएट कर सकते हैं वो बिल्कुल बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन उनके जो वेजेस हैं उनमें भी उन्हें क्या मिलनी चाहिए हाइक मिलनी चाहिए ठीक है के बाद में जो वेरियस पॉलिसीज हैं उन्हें जो है फॉर्मुलेट करने में उन्हें एग्जामिन करने में जो है आपका सीपीआई हेल्प करता है रेंट कंट्रोल टैक्सेशन ये सारी ठीक है, है वो आपको ये बताता है कि एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले क्या था अब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो अब उसके हिसाब से उसकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ना चाहिए ताकि वो उसका जो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेनटेन रह सके ठीक है जो गिट्स करती है ताकि वो वेरियस काइंड ऑफ जो बोनसेस है वो ग्रांट कर सके किस चीज को कम्पनसेट करने के लिए जो आपका इंक्रीजिंग प्राइज है उसके साथ में सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेनटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो वेरियस काइंड ऑफ बोनसेस या कोई भी काइंड kind ऑफ of जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें जो है बोनस देने की जरूरत है तो वो यूज करेंगे सीपीआई का वो सीपीआई के हेल्प से देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन है जो प्राइजेस हैं वो कितने बढ़े हैं कितने कम हुए हैं इन चीजों को ठीक है यूज टू मेजर परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इन रूपीज ठीक है जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये आपको किस चीज में हेल्प करता है परचेजिंग पावर को मेजर करने में जो वेरियस लोग हैं उनका परचेजिंग पावर कितना है दैट मींस वो कितनी जो है पर, कितना वो परचेज कर सकते हैं रुपीज के टर्म्स में उसे फाइंड आउट किया जाता है और उसका फॉर्मूला हमारे सामने ये होता है वन डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ठीक है तो ये कुछ यूजेस है अब इसके अलावा कुछ यूजेस हमारे पास में यहां पर आते हैं रियल वेजेस कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी हेल्प से जो रियल वेजेस है ये भी डिटरमाइन किए जा सकते हैं कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे मनी वेजेस डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करके ठीक है जो रियल वेजेस ओके दैट मींस कि एक्चुअल में एक पर्सन का वेजेस कितने हो रहे हैं ठीक है एक पर्सन कितना अर्न कर पा रहा है ये होता है आपका रियल वेजेस जो उसके सारी हम बोलें कि इन्फ्लेशन वगैरह ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसका कितना क्या खर्चा वगैरह हो रहा है ये सब कुछ देखते हुए ये रियल वेजेस को निकाला जाता है फॉर फॉर एनालाइजिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स एंड ठीक है जो है पर्टिकुलर कुछ काइंड ऑफ गुड्स एंड के मार्केट को एनालाइज करने में भी जो आपका सी पी आई है ये यूज में आता है या ये जो है हेल्प करता है ठीक है तो ये कुछ हमारे क्या थे यूजेस थे आपके सी पी आई के अब इसके आगे आते हैं तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स कौन कौन से हैं

वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो सी है वो फाइंड आउट करते हैं ओके सो आई गेस की सीपीआई क्लियर है आप लोगों को उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट इन नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स है ये अब व्हाट इज दिस तो द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम्प्राइजिंग मेनी इंडस्ट्रीज जैसे कि नेम बता रहा है कि क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल हमें प्रोडक्शन तो में कितना चेंज आ रहा है उसे जो है फाइंड आउट करना या उसे उसे जो है हमें देखना एग्जामिन करना ये काम किसका है आई आई पी का दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ठीक है

सेवन या एट जो है इंडस्ट्रीज में हमारी सारी जो फर्म्स हैं सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सब कुछ जो है ये कुछ सेवन एट इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया जाता है और फिर उसके बाद में जो है आईआईपी को फाइंड आउट किया जाता है या मेजर किया जाता है अब ये क्या है सबसे पहले आगे आपके पास में माइनिंग इंडस्ट्रीज ठीक है जिसमें आप माइन करोगे ठीक है खोद के जिसमें आप चीजें निकाल रहे हो दैट इज कोल आयरन और कॉपर एल्यूमिनियम पेट्रोलियम एक्सेट्रा ये सब कुछ आपकी किसमें आ जाती है माइनिंग इंडस्ट्री में आ जाती है उसके बाद में आती है आपके पास में मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इसमें आपके पास में आएगी आयन स्टील रोलिंग माइल्स

और इसके अलावा फिर जो बच्ची कुची वो सारी किस में आ जाएगी आपके मिसलीनियस में आ जाएगी जैसे कि सीमेंट ग्लास सोप केमिकल्स एक्सेट्रा तो इनमें जो है प्रॉपरली क्या किया जाता है इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री चेक किया जाता है कि क्या जो है चेंजेस हो रहे हैं क्या क्या आपके पूरा जो प्रोडक्शन है उसमें आपको क्या चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं ओके तो आई गेस की ये जो हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज है ये आप लोगों को क्लियर है उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल नंबर जो इंडेक्स नंबर है सॉरी दिस वुड बी इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो क्या है उसे कैसे फाइंड आउट करते हो तो उसे फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ क्यू वन क्यू जीरो क्यू वन डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 होल

Q1, Q0 लेते हैं ठीक है सो क्या आएगा आपका क्यू वन क्यू जीरो मल्टीप्लाइड और पूरा ही आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे W से करोगे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W. ठीक ये होता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अब जो आपके इंडेक्स नंबर है इनके क्या यूजेस होते हैं ठीक है जो प्रॉपर पूरे हमारे इंडेक्स नंबर है इनके यूजेस क्या क्या होते हैं तो देखो सबसे पहले आया आपके पास में क्या हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मूलेशन वेरियस काइंड ऑफ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना जैसे कि वेजेस क्या होने चाहिए ठीक है वेज नेगोशिएशन वेज फॉर्मूलेशन उसके बाद में रेंट कितना होना चाहिए ये सारी चीजें जो अभी अभी आप सी में कुछ चीज़ें पढ़कर हो वो सब कुछ आप इसमें लिख दोगे कि वेरियस जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें आपके इंडेक्स नंबर हेल्प करते हैं उसके बाद में एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर जो आपके इंडेक्स नंबर है वो किस वे से एक्ट करते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर्स के थ्रू ठीक है या हम बोले कि इकोनॉमिक बैरोमीटर के जैसे ये एक्ट करते हैं जो एक बैरोमीटर होता है वो आपको बताता है कि प्रॉपर वेदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही जो इंडेक्स नंबर है वो आपको बताता है कि इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हर एक सेक्टर में ठीक है सीपीआई ले लो आई ले लो इसके बाद में अभी हम डब्ल्यू सीपीआई देखेंगे तो मतलब कि ओवरऑल पूरा बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं हेल्प इन स्टडिंग ट्रेंड्स जो आपके इंडेक्स नंबर है वो आपको किस चीज में हेल्प करते हैं ट्रेंड्स को स्टडी करने में अभी तक ऐसा ऐसा चल रहा था हम चेंज में देख रहे हैं कि प्राइस जो है ना वो इंक्रीज 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 हो रहा है फिर एकदम से ही डिक्रीज हो गया पहले ये जो है पहले ये कभी डिक्रीज होता था कभी इंक्रीज होता फिर अब uh, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज इंक्रीज हमें होती हुई दिख रही है सो so बेसिकली आपके जो इंडेक्स नंबर है वो आपको किस चीज में हेल्प कर रहे हैं ट्रेंड्स को स्टडी करने में ठीक है वो वेरियस जो है चेंजेस आपको बता रहे हैं कि देखो ओवर द ईयर हमें ये ये देखने को मिला है ठीक है

तो फिर उसकी हेल्प से या वो चीज देखकर जो है वेरियस जो वैल्यूज उन्हें डिफ्लेट किया जा सकता है जिससे कि आपकी जो प्राइजेस हैं वो एक सेम रहे और आप पर जो है बर्डन ना हो कि भाई इतना इन्फ्लेशन हो गया ठीक है हेल्प मेजर परचेजिंग पावर ठीक है ये अभी अभी हम लोग सीपीआई में पढ़कर आए ओवरऑल तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे ये सारे हो जाते हैं हमारे इंडेक्स नंबर के यूजेस ठीक है कि इंडेक्स नंबर आपका कहाँ कहां पर यूज किया जा रहा है ओके आई गेस कि ये वाला टॉपिक भी क्लियर है आप लोगों को फिर आता है हमारे सामने क्या लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर अब क्या लिमिटेशन है कहाँ पर जो है हमें इसके डिसएडवांटेजेस या हम बोले लिमिटेशन देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले आता है प्रोवाइड्स रिलेटिव चेंजेस ओनली

तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है बिकॉज इंडेक्स नंबर आपको जो चेंजेस है वो रिलेटिव जो है मेजर में ही बताता है रिलेटिव चेंजेस ही बताता है ठीक है तो ये एक इसका क्या बन जाता है लिमिटेशन बन जाता है लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी होना जो है वो एक काइंड kind ऑफ of हम लिमिटेशन ही बोलेंगे क्योंकि देखो जैसे कि आप सीपीआई फाइंड आउट कर रहे हो आपने मान लो जिन फैमिली को लिया है या जिससे आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है हो सकता है कि उनकी वजह से नहीं लेकिन किसी और की वजह से जो है कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हो या किसी और फैमिली को आना जरूरी चाहिए होना चाहिए था तो ऐसे में क्या बनता है कि जो है एक एक्यूरेसी की कमी हो जाती है ठीक है जहां पर आप कोई सैंपल्स के हिसाब से चल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपके सारे सैंपल्स जो है वो सही सही हो

लिमिटेशन देखने को मिलता है बिकॉज नॉट नेसेसरली कि जो पर्पज से आपने कलेक्ट किया है वही जो मतलब कि जो आपने एक इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट किया है वो सारे पर्पज में जो है यूज आ सके ओके okay? इग्नोर क्वालिटेटिव चेंजेस ठीक है जो आपका इंडेक्स नंबर है वो क्वालिटेटिव चेंजेस को क्या करता है इग्नोर करता है तो ये भी क्या बन गई लिमिटेशन बन गई मतलब कि क्वालिटेटिव चेंजेस जो है वो कंसिडर ही नहीं किए जाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद में मैन्युपुलेशन आर पॉसिबल इससे जो है मेन्यूपुलेशन पॉसिबल है तो ये भी एक हमारा क्या बनता है लिमिटेशन बनता है आपने कुछ सोच समझ के मतलब कि आपका पास में जो भी सीपीआई डब्ल्यू पी आई या आई आई पी आई आया है उसके बाद में आप उसे अलग वे से मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो चीज एक गलत हो जाती है वाइल्ड कलेक्शन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए कि नहीं आपका सीपीआई ऐसा दिखना चाहिए तो आप कलेक्शन के टाइम पर जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसका उस टाइम पर आप कुछ गड़बड़ी कर सकते हो तो ये होते हैं क्या हमारे कुछ लिमिटेशन होते हैं ठीक है ठीके? तो यूजर्स देख लिए लिमिटेशन देख लिए इंडेक्स नंबर के I hope so, clear हो गए होंगे। उसके बाद में आता है हमारा जो है, है? है? जो 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 कि हमारा होगा अपने इस का, ठीक है? अब wholesale price index number क्या है? देखो students, जो wholesale में कमोडिटीज ट्रेड uh, की जाती है हम बोले कि होलसेल मार्केट में जो भी जो है आपके गुड्स आते हैं उनके बेसिस पर उनके प्राइजेस के बेसिस पर उनकी क्वांटिटी के बेसिस पर जो इंडेक्स नंबर का क्रिएशन होता है कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं ठीक है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द होलसेल प्राइजेस ऑफ द गुड्स इन द कंट्री ठीक है हमें पता है सबसे पहले एक जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है वो क्या आपको डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड करता है नहीं ये जो मैन्युफैक्चरर है ये एक मिडिलमैन दैट इज किसे मिडिलमैन का नाम क्या है होलसेलर को गुड्स देता है होलसेलर फिर वो गुड्स को किसको पास ऑन करता है रिटेलर को करता है और फिर ये जो रिटेलर गुड्स है ये, 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 ये प्रोवाइड करते हैं ठीक है ठीके? तो एक मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत ही बिग बिग लॉट्स में होलसेलर को जो है गुड्स देंगे फिर होलसेलर जो है वो अपने अपने एरिया में रिटेलर्स को कुछ स्मॉल लॉट्स में ठीक है जितने बिग लॉट्स में इन्हें मिलते हैं उनसे स्मॉल लॉट में जो है अलग अलग रिटेलर को क्या देते हैं गुड्स देते हैं और फिर जो रिटेलर है वो एज पर दी दंज्यूमर नीड एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी जितनी चाहिए उस हिसाब से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो अगर मैं बात करूं कि जो हमें गुड्स मिलते हैं उससे कम प्राइस पर होलसेलर को गुड्स मिलते हैं ठीक है ठीके? मतलब कि होलसेलर को जो प्राइस पे करना पड़ रहा है एक मैन्युफैक्चरर को और हमें जो प्राइस पे करना पड़ता है एक रिटेलर को दोनों प्राइस में डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस अच्छे पता है क्यों होता है। यहां से गुड्स बने यहां बन होलसेलर होल ने जब इसको आगे पास ऑन किया तो आगे भी उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस वगैरह जो भी लगते हैं वो सब हुआ उसके बाद में रिटेलर ने आपको दिए ठीक है अब इन सब में जो है एक पर्सन का प्रॉफिट मार्जिन भी 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 होता है, मैन्युफैक्चरर अपना निकालेगा, भी अपना प्रॉफिट प्रॉफिट निकालेगा, निकालेगा और, है, सारे जो के है, सारे जो है, और इन सबके प्रॉफिट ये, सब लो, ये सब कुछ हम लोग पे करते हैं अगर मैं एक 10 रुपीस का भी लेने जा रही हूं तो उस टेन रूपीज में उसके सारे जो है, वो जो है

क्या प्राइसेस में चेंजेस हम बोले कि इन्फ्लेशन वीकली बेसिस पर कैसा हो रहा है ये चीज हमें देखने को मिलती है ओके तो आई गेस की जो इसकी फर्स्ट यूटिलिटी है ये आप लोगों को क्लियर है

कि इयर ऑन ईयर कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ओके <coughs> okay? फिर आता है फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई इसकी और क्या यूटिलिटी है डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करना ठीक है देन हेल्प इन डिटरमाइनिंग रियल चेंजेस इन एग्रीगेट एंड यूजफुल इन कॉस्ट इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट ठीक है तो बेसिकली आपका जो ये डब्ल्यू पी आई है ये आपको जो है जो डिमांड और सप्लाई उसे फोरकास्ट करने में हेल्प करता है बिकॉज वी नो कि हम जो है इंडेक्स नंबर की हेल्प से वेरियस जो ट्रेंड्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं तो ये जो है हमें वेरियस काइंड ऑफ जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से हम फ्यूचर का फोरकास्ट कर पाते हैं कि क्या डिमांड होगी क्या सप्लाई होगी उसके बाद में जो है ये जो रियल चेंजेस है एग्रीगेट्स में उसे फाइंड आउट करने में आपको डब्ल्यू हेल्प करता है एंड यूजफुल एंड कॉस्ट इवेल्युएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट ठीक है जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो कॉस्ट इवैल्यूएशन है कितना कॉस्ट लगने वाला है बिकॉज़ जो बिग बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं जब वो लोग बहुत ही हाई क्वांटिटी में किसी भी चीज को खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में आई शुड से तो जब हम लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलते हैं ना सेम वे में जब वो लार्ज क्वांटिटीज में उनमें चीजें खरीदे जाती है तो वो आपको एक होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मिल जाता है नॉट इंडेक्स होलसेल प्राइजेस पर जो है मिल जाती हैं चीजें और उससे जो है आपको कॉस्ट समझ में आता है कि देखो यार होलसेल पर अगर इतना कॉस्ट है तो क्या आगे का चलेगा ठीक है तो वेरियस प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है उसे भी एग्जामिन करने में हेल्प करता है हमारा जो डब्ल्यू है ये ओके okay? तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है ये जो सारे ही हमारे इंडेक्स नंबर का सारे जो कंसेप्ट थे वो इसी के साथ में हमारा जो ये क्विक रिवीजन है ये हम लोग करते हैं क्या कंप्लीट एंड आई गेस कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो भी गई होगी अगर नहीं हुई है कुछ डिटेल में पढ़ना है तो क्या करना है डिस्क्रिप्शन में जाना है प्ले की लिंक मिल जाएगी और अपनी जो भी जिस भी टॉपिक को आपको नहीं समझना है उस टॉपिक को जाकर आपको पढ़ना होगा ओके okay? तो आई गेस की ये चीज क्लियर है अब एक छोटी सी चीज जो कि आप लोगों को पता ही होगी और एक और बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट इज मैग्नेट ब्रेन अब हिंदी में भी अवेलेबल है दैट इज हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है इसके लिए आपको करना क्या है आप लोगों को सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन हिंदी तो आपके सामने ये चैनल आ जाएगा इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें और इसे भी आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये पता चल पाए कि अब मैग्नेट ब्रेन हिंदी में भी अवेलेबल है इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैग्नेट ब्रेन के जो ये सारे वीडियोस हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है बल्कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम एंड जो हमारा ऐप है उस पर भी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेन्ज मिल जाएंगे तो कई बार यूट्यूब में फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वेबसाइट या ऐप पर जा सकते हैं ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज थैंक यू